एक बार कोई महात्मा थे, वो ध्यान के बड़े एक्सपर्ट थे, बड़े ज्ञानी थे। तो उनके पास बादशाह ने अपना एक जो भेड़ों को संभाल देखभाल करता था, आगे भेड़िए रखे थे, वो भेड़ों का बड़ा शौकीन था, भेड़ों को कई बार देखने भी जाता था, उनका जहां रखी थी सारा कुछ, उनका खाना, उनका क्या। तो उस वक्त में भेड़ों का वो जो था ना, उनकी लड़ाई का वो दंगल होता था, भेड़ों का दंगल, कौन सी भेड़ जीतनी है, तो उसको पता मैं इतनी भेड़े रखी है, तो उसने आपने जो उनकी रखवाली करने वाला था उसको उस महात्मा के पास भेजा, जो कि ध्यान के बड़े एक्सपर्ट थे, इस भेड़ को वो ध्यान की विधि सिखाए जिससे मेरी भेड़ जो है वो जीते। ये बड़ी जरूरी, कोई भी चीज साधना के द्वारा आगे निकल जाए। भेड़ को भेज दिया गया उन महात्मा जी के पास, तो अभी कुछ 6 महीने का समय था दंगल होने को, तो 2 महीने गुजरे, तो फिर पूछा गया महात्मा से कि भेड़ कहाँ था, उसने कहा कि पूरी तैयार नहीं हो रही। फिर 3 महीने गुजरे तो पूछा गया, अभी तैयार बोली नहीं, अभी कमी है। 4 महीने पहुंचा तो क्या है, उसने कहा अब वो बस तैयार होने वाली है, अब कोई घबराने वाली बात नहीं, वो तैयार बस हुई तो हुई। बादशाह खुश हो गया। जब 5वां महीना आया तो उसने कहा भाई अब बाकी भेड़ों से जो मेरे पास और ट्रेन भेड़ है उनके साथ पहले इसको छोड़ूंगा तो तभी परख होगी। तो महात्मा ने कहा वो भेड़ें जो आपने तैयार करवाई हुई हैं आपने उस रखवाले से, उनको ले आओ, वो यहाँ परख हो जाती। वो 5 भेड़ें वहां से आई अकेली थी, तो बादशाह भी ये खेल देखने आए। उन्होंने कहा ये मैं अपनी निगरानी में देखूंगा, खुली जगह दे दी गई उन 5 को और इस भेड़ को भी छोड़ दिया गया। वो 5 भेड़ें जो थी और ये 6 इन 6 का मुकाबला था, ये भेड़ पहले बैठ गई, वो भेड़े आपस में लड़ती रही। जब कोई भेड़ इसकी तरफ आई ये उठ के खड़ी हो गई, बिल्कुल अपनी गर्दन सीधी करके आंखें निकाल के बिल्कुल अलर्ट, जैसे एक फौजी जवान खड़ा होता खड़ी हो। वो भेड़ भाग के फिर दूसरियों के साथ लड़ने लगी। फिर दूसरी भेड़ आई उसकी तरफ, फिर उसने अपनी बॉडी पूरी तरह से अलर्ट कर दी, वो भी भाग गई। तो 5 भेड़ें दूर जाके तो बैठ गई, कोई उसके साथ लड़ने के लिए नहीं आया। तो बादशाह ने कहा ये इसके साथ लड़ क्यों नहीं रहे। उसने कहा ये ध्यान में इतनी निपुण है कि इसकी निगाह इतनी तेज दृष्टि से इनकी आंखों में पड़ती है कि इनकी आंखें जो हैं वो कोई और सोच की तरफ चली जाती है। ये अपनी दृष्टि जब भेड़ मेरी फेंकती है तो वो अंदर से घबरा जाती। उसने कहा ये तो कोई लड़ी नहीं, कुछ नहीं करी। उसने कहा साहब जी जीतने का ढंग लड़ना नहीं है, जीतने का ढंग जीतना है और ध्यान ही सारा काम करता। जब उस भेड़ को दंगल के लिए ले जाया गया तो वहां पर भी यही हुआ। वहां को 25 भेड़ें आई हुई थी कंपटीशन के लिए, 25 की 25 कोई भी इसके नजदीक नहीं आई। थोड़ी पास आई फिर भाग, थोड़ी पास आई फिर भाग, क्योंकि वो अपनी दृष्टि सीधी डाल के तो सीधी उसकी आंख में दृष्टि डालती थी। आंख में दृष्टि डाली तो आंख बड़ी लोचन है, वह भाग उनके पास वो गुण नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग ध्यान की विधि और शब्द जब आपको मिला है तो ये डरने नहीं देता। जो निरंकार की सीमा में ध्यान है वहां आप व्यापित हो जाओ, आपको जरा इधर उधर भरमाएगा मन तो आप। लेकिन जब आपके पास बेनाम शब्द है, एक ही 2 बार ऐसी घटना होगी, तीसरी बार आप पार हो जाओगे, बशर्ते आप माया से पार
बशर्ते तुम कम बोलते, बशर्ते तुम एकांत अकेले में बैठना जानते। जिस समय आप एकांत में रहना जान लोगे, तुम्हारी दृष्टि चेतन हो, जिस समय तुम अकेले आपस में अंदर से बात करोगे तो आपकी दृष्टि चेतन, फिर जिस समय तुम पूरे ध्यान में जाते हो, कोई बात वार्तालाप अंदर ना चले, कोई बात ना चले, कुछ ना चले, फिर ही तुम भक्ति में जाते, नहीं तो किसे भक्ति में जाओ। इसलिए कोई भी विचार ना तुम में आना पड़े, और खासकर मैंने कहा मन तुम्हें दुख की दुनिया में डालना चाहते, दुख में गे, और तुम भी चूंकि संसार को अपने दुख दुख तुम्हें हर समय याद, सुख तुम भूल जाते हो, इसलिए मन तुमको दुख याद दिलाता है किसी गे हुए का, किसी बड़े प्यारे का, और तुम भटक जाते हो। तो इस तरह से गरीबी मुझे कहती है कि बाबा बंद कर, तो मैं आज आपको ध्यान की विधि गोरखनाथ जी के पास ले गया, गोरखनाथ जी का आपको समझाया, और ये भी बता रहा हूं कहां कबीर साहब और कहां गोरखनाथ। विधियां बहुत आ जाने से एक ही रहने में रहे वो गोरखनाथ जी काल के दायरे, स्वर्ग में निर्णय कर रहे हैं, वहां बैठे क्या बने। इसलिए तुम चेतन सुरती की तरफ चलो, मन के मते न चालिए, मन के मते ने जो मन पे अस्वार है वो साधु को ये, बस मन पे अस्वार होना फिर ही भक्ति, उसके बिना भक्ति नहीं। तो प्यारी साहब सिंह जी आज फिर यहाँ रखता हूँ, मैं आता ही रहता हूँ आपके पास, नई बातें लाता हूँ, तुमको जगाने की पूरी चेष्टा करता हूँ, क्यों कि सतपुरुष ही आपको मेरे अंदर से बोलते हैं और आपको कुछ देते हैं। तो प्यारे साहब सिंह जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।